यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने बयान में उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि व्यवस्था दुरुस्त की गई है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करें। साथ ही सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होने के बजाय अपराधियों के साथ खड़ी होती है। और क्या कुछ कहा, आइए इस वीडियो का रुख कराते हैं। थोड़ा सा तेज बोलिएगा, जैसा आप लोगों के लिए खड़ी वाले कुर्सी लगा दो। सबसे पहले आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि बहुत कम समय की सूचना पर हमारे पत्रकार मित्र हमारी बात को प्रदेश की जनता के समक्ष रखने के लिए अपना बहुमूल्य समय हम सबको दिया है। इसके लिए हम धन्यवाद अदा करते हैं। हम जब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई है, अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं, आम जनता निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में अपना जीवन यापन कर रही है। कारोबारी उद्योगपति हमारे बच्चे हमारे युवा साथी अपनी दैनिक दिनचर्या को करने के साथ ही प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरी ताकत से लग करके सरकार की नीतियों के साथ जुड़ करके प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। ये हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में कहा था। अभी हाल ही में जो घटना हुई है सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के यहाँ दिन दहाड़े लूट की, कई दिनों से अखबारों में सोशल मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विपक्षी पार्टियां खासकर समाजवादी पार्टी के लोग जिस ढंग से डकैतों का संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, उनको अपने परिवार का बता रहे हैं, प्रदेश की जनता के समक्ष कुछ तथ्य मैं रखना चाहता हूं। सुल्तानपुर की घटना में प्रदेश की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, चूंकि आधुनिक युग है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का युग है, हमारी सरकार ने सभी तथ्यों को गंभीरता के साथ जांच के दायरे में लेते हुए सर्विलांस के आधार पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तथ्यों को जानकारी एकत्र की। जो लोग वांछित थे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी मोबाइल लोकेशन निकाल करके वांछित लोगों की पड़ताल करके पहचान करके कार्रवाई प्रारंभ की। उस कार्रवाई के दौरान जो अपराधी पकड़े गए वो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और पकड़े भी ढेर सारे लोग गए हैं। चाहे सुल्तानपुर की घटना हो या प्रदेश की कोई भी घटना हो, समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के समर्थन माने का काम करती है। ये पहला मैं वाक्या देख रहा हूं या पहला स्टेट देख रहा हूं जहां पर समाजवादी पार्टी जिस व्यक्ति के यहाँ अपराध हुआ है उस ज्वेलर्स के समर्थन में एक भी सेंटेंस समाजवादी पार्टी के मुखिया समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आया। जिस व्यक्ति के यहाँ हत्या हुई है उसके समर्थन में पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होने के बजाय हमेशा समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ खड़े होने का दावा करती रही है। जिस बेटी के साथ रेप हुआ हो समाजवादी पार्टी कभी उसके साथ खड़े होते नजर नहीं आई, केवल आई तो आई है अपराधियों को बचाने के लिए। मैं सुल्तानपुर की घटना का जिक्र फिर करना चाहूँगा। सुल्तानपुर की घटना में वांछित अपराधियों को हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक व्यक्ति मारा गया। अब जाति के आधार पर समाजवादी पार्टी उसके समर्थन में खड़ी हुई है। हमारी प्रदेश की सरकार की प्रतिबद्धता है कि अपराधी अपराधी होता, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ सर्व समाज के लोग जुड़े हैं। हमारी सरकार किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं है।
यह सबकी सरकार है, सबके हितों की चिंता करती है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम प्रदेश में कानून के राज को स्थापित करें और हर स्थिति में लोगों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करें। हम जब जानते हैं कि इस घटना में जो लोग वांछित थे उनके पास से गिरफ्तारी के दौरान 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है, जो दिन दहाड़े लूट हुई थी 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है समाजवादी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास करती है, जबकि प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को जब जब इनकी सरकारें रही हैं, जब जब इन्हें ताकत मिली है, ये पुष्पित पल्लवित करती रही हैं। जहां तक आप सब जानते हैं समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से अपनी विगत सरकारों के दौरान, आप देखते होंगे हमें अच्छी तरह याद है, इसी राजधानी लखनऊ में हजरतगंज के क्षेत्राधिकारी को लोहिया वाहिनी के गुंडों ने बोनट पर टांग करके लखनऊ की सड़कों पर घुमाया था, और बेचारे वो पुलिस उपाधीक्षक बोनट पर लटके लटके पूरे लखनऊ में सड़कों पर नंगा नाच लोहिया वाहिनी के गुंडों ने किया था। फिर लोहिया वाहिनी के गुंडों की हिम्मत देखिए, उस समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस जीप को ले जा करके SSP लखनऊ के बंगले में घुसा दिए थे, और SSP लखनऊ के माध्यम से उन गुंडों को, जिन लोगों ने क्षेत्राधिकारी हजरगंज को बोनट पर जीप पर टांगा था उनको बचाने का काम हुआ था। आज तक उस घटना में कितने लोगों की सजा हुई है समाजवादी पार्टी बताए। दूसरी घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, बदायूं में 2 बहनों के साथ जो घटना घटित हुई थी पूरे देश और दुनिया में चर्चा हुई थी, समाजवादी पार्टी आज तक उस बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं दे पाई है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूट करके उनकी हत्या करके पेड़ पर टांगा जाता था। तीसरी घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मथुरा के जवाहर बाग कांड को कौन भूलेगा, हमारे एडिशनल SP हमारे पुलिस अधिकारी वीरगति को प्राप्त किए थे, अपराधी जो समाजवादी पार्टी की सरकार के संरक्षण में थे, कई दिनों तक गोलियां चली थी, गोला बारूद इकट्ठा करके रखे थे, ये समाजवादी पार्टी की संरक्षण की ही देन है कि जब जब सपा की ताकत मिलती है अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और प्रदेश की भोली भाली जनता का अमन चैन भी लूटते हैं, उनकी धन संपत्ति भी लूटते हैं और बहु बेटी की इज्जत आबरू को भी खतरे में डालने का काम करते हैं। और मुजफ्फरनगर कांड को कौन भूलेगा, मुजफ्फरनगर में जब एक हमारी बेटी के साथ, बहन के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उस समय क्या हुआ था, केवल आपने वोट के चक्कर में, केवल वोट के बंटवारे के चक्कर में आपने किसी व्यक्ति को छोड़ दिया था, गिरफ्तारी नहीं हुई थी, पूरे देश ने सर्वजनिक स्थिति का सामना किया था। मुजफ्फरनगर दंगे में कितने लोग मारे गए थे जो निरपराध थे, समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए। और हम आज कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी का DNA ही ऐसा है, समाजवादी पार्टी की व्यवस्था ही ऐसी है, जब जब वो सरकार में आते हैं गुंडे माफिया मवाली सारे लोग कालर खड़ा करके प्रदेश की जनता के ऊपर रोड रोलर चलाने का काम करते हैं, जनता को कुचलने का प्रयास करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये किसी अपराधी को बकसने वाली सरकार नहीं है। हर स्थिति में दूध का दूध पानी का पानी होगा, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की काम हमारी सरकार अदालत के माध्यम से करेगी। हम सब जानते हैं बहु बेटी पर अत्याचार अनाचार सर्वाधिक समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, लेकिन आप लोग NCRB के आंकड़े उठा करके देखेंगे बहु बेटी पर अत्याचार अनाचार हमारी प्रदेश की सरकार में कम हुआ है, और सर्वाधिक सजा दिलाने वाली अगर कोई सरकार है तो उत्तर प्रदेश सरकार है। अदालत के माध्यम से आप NCRB के आंकड़े देख सकते हैं। जहां तक अखिलेश यादव जी बार बार सवाल उठाते हैं कि माँ के आंसू समझ में नहीं आते, मैं उसे पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने जिस ढंग से भोले भाले लोगों की संपत्ति को लूटा है, खुलेआम असलहे के बल पर अपहरण किए हैं, खुलेआम असलहे के बल पर के रेप हुए हैं, खुलेआम जमीन पर कब्जा हुए, सरकारी ठेकों पर लूट हुई है समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, क्या उन घटनाओं पर वो श्वेत पत्र जारी करेंगे? मैं अखिलेश यादव जी से समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछना चाहता हूँ, अभी खाली मित्रों से पूछना चाहता हूँ, कन्नौज की घटना में कौन शामिल है, हमारी बेटी
को रात में अपने कमरे में बुलाकर विद्यालय में रात में कर क्या रहे थे प्रबंधक महोदय? ये कोई जवाब अखिलेश यादव नहीं दे पाएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं दे पाएंगे कि रात को समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो रात को अपने कॉलेज में कर क्या रहे थे महिलाओं के साथ में, हमारी बेटी को बुला करके जिस ढंग से दुष्कृत्य किया है, प्रदेश की जनता कभी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। आप जानते हैं कन्नौज की घटना के बारे में बताया मैंने, अयोध्या में क्या हुआ। अयोध्या में मौलाना साहब ने, उनका नाम आप सब जानते हैं, उन लोगों ने रेप भी किया और सीनाजोरी भी की। हमारी सरकार बेटी के साथ खड़ी हुई, पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि हर स्थिति में हम बेटी के साथ खड़े मिलेंगे। जो पीड़ित परिवार है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम पीड़ित बच्चे के साथ खड़े होंगे, जो गुंडे माफिया बदमाश है उनके मनोबल को तोड़ने का काम करेंगे। और अभी हाल ही में 3 दिन पहले अखबार देख रहे थे, एक और विधायक जी समाजवादी पार्टी के हैं, उनके एक बेटी की लाश बरामद हुई है उनके आवास से। आप सब लोगों ने मीडिया में देखा होगा, आप समाजवादी पार्टी के नेता से बात को अवश्य पूछिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उन्होंने जमीनें कब्जे करवाई हैं, प्लॉटिंग हुई है और बड़ी संख्या में जो है बीजेपी के नेता अधिकारी जमीनें कब्जे कर रहे हैं। आप एक काम करो, सर अखिलेश यादव ने कहा कि इस सूची को हम पार्लियामेंट के दोनों सदन में रखेंगे। देखिए, अधिकारी और नेता दोनों, आप मेरी बात सुनिए। समाजवादी पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ, अयोध्या का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर के तैयार हुआ है, 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं वहां धरातल पर उतर रही हैं और लगभग 50,000 करोड़ की परियोजनाएं जो 32,000 में शामिल है उसको शीघ्र हम पूरा करने वाले हैं। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप होगा। उनकी पीड़ा मैं बता रहा हूँ, उनकी पीड़ा जो है वो ये नहीं है, उनकी पीड़ा ये है कि अयोध्या का डेवलपमेंट कैसे हो गया। ये वही लोग हैं समाजवादी पार्टी के लोग जिनके पुराने शासनकाल में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अयोध्या में नियत थे राम भक्तों पर गोलियां चला करके खून की नदियां बहाने का काम, मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे। अयोध्या का जो ब्रिज है, सरयू माई का ब्रिज है, पूरा खून से रंगा हुआ था, राम मंदिर के आसपास की गलियां खून से रंगी हुई थी। ये सब समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अरे भाई, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आप सब जानते भी हैं, जब कभी कोई इनकाउंटर होता है तो मजिस्ट्रेटी जांच होती है और मजिस्ट्रेटी जांच के बाद पूरा मामला अदालत में जाता है। माननीय न्यायालय सर्वोच्च है, भारतीय संविधान के तहत हमारी जिम्मेदारी है कि हम माननीय न्यायालय के निर्णयों का पालन करें और पूरा मामला मजिस्ट्रेटी जांच के बाद न्यायालय में जाएगा। समाजवादी पार्टी के लोग केवल घड़ियाली आंसू वोट के लिए कानून को दरकिनार करके, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। प्रदेश की जनता कभी इन्हें माफ नहीं करेगी। देखिए, मैं साफ आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, जांच होगी, कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप उनसे ये पूछिए कि जिस की चर्चा वो कर रहे हैं उसका हक उन्होंने ही मारने का काम किया। हम पार्लियामेंट मेंबर थे, जब प्रमोशन एंड रिजर्वेशन का बिल आया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने बेल में जाकर के बिल को फाड़ा था, पूरे देश की जनता मीडिया देखती, फुटेज निकाल लो। और मैं बता दूं, महिला आरक्षण का बिल आया, तब इन लोगों ने जाकर के अराजकता फैलाई, बिल फाड़ा और एक इनके एमएलए हैं उस समय एमपी थे, कांच का गिलास पानी पीने के लिए मंगाए और कांच के गिलास को मेरे सामने ऐसे पार्लियामेंट के अंदर सदन के दौरान
तोड़ करके अपने पेट में मार करके सदन को स्थगित कराना चाहते थे। इनके डीएनए में गुंडई अराजकता है और कुछ नहीं है, प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। एक सवाल है, कल एक पंडाल है, गणेश पंडाल है, जहाँ घर में पूजा करे थे गणेश पंडाल आके, वहाँ पे कुछ मुस्लिम के ऊपर एक पत्थरबाजी भी है, पुलिस ने मामले दर्ज करके गिरफ्तारियां की। देखिए हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने राज्य में लोगों को कल्याणकारी सरकार दें और उसकी प्रतिबद्धता हम दोहराते हैं। किसी भी स्थिति में लाइन आर्डर को खिलवाड़ करने की हम अनुमति किसी भी गुंडे बदमाश माफिया लिच्चे लफंगे को नहीं देंगे। हर स्थिति में हम प्रदेश में कानून का राज मेंटेन करेंगे। उदित राज जी ने कहा है कि मायावती को हायर किया है भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए। देखिए मायावती जी इस देश की बड़ी नेता है और उनके साथ समाजवादी पार्टी ने किया था, आपसे छुपा नहीं है। 2 जून की घटना आज भी जब प्रदेश के लोग याद करते हैं, दलित समाज के लोग याद करते हैं तो सिहर उठते हैं। समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। सर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के घर में प्रधानमंत्री गए गणपति पूजा के लिए और कहा जा रहा है कि पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रोजा में जाते थे, क्या कहेंगे सर ये इस पर कांग्रेस को? देखिए व्यक्तिगत जो पूजा है या व्यक्तिगत कोई कार्यक्रम है, ये कोई राजनीतिक सब्जेक्ट नहीं। पाठक जी, आपके जो अवैध नर्सिंग होम आपके विभाग के चल रहे हैं बेसमेंट में क्योंकि हादसा हो जाते हैं, बिल्डिंग गिरी है यहाँ पे लखनऊ में आलमबाग में, उसको लेकर आप देखिए ऐसे नर्सिंग होम जो अवैध चल रहे हैं उस पर आप ध्यान कुछ लगाएंगे? देखिए हम लगातार भ्रमण पर रहते हैं, कहीं कोई शिकायत मिलती कार्रवाई करेंगे। आपने बताया है इस मामले में भी जांच कराकर करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 10 के 10 सीट हम उपचुनाव जीतेंगे, 10 के 10 देखिए समाजवादी पार्टी कभी सफल नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के डीएनए में अपराध, अपराधी को बढ़ावा देना पुराना सगल रहा है। प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम सर्व समाज को साथ लेकर के चलेंगे, सबके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाएंगे और जन जन तक अपनी सरकार की योजनाओं तक पहुंचाने का काम करेंगे। प्रदेश में हम भयमुक्त वातावरण प्रदान करेंगे और ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि सबका विकास हो सके। आप देखते होंगे हमारी सरकार की नीतियाँ जन जन तक पहुँच रही हैं और सभी लोग प्रसन्न हैं। आप सुल्तानपुर जाकर के पूछिए, प्रदेश की जनता से पूछिए, आप उन व्यवसायियों से पूछिए, उन उद्योगपतियों से पूछिए, चौथ वसूली होती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, गुंडे बदमाश समाजवादी पार्टी के समर्थन से चौथ वसूली करते थे कि अगर आपने कोई फैक्ट्री लगाई है, कोई इमारत बनाई है, आपको इतना परसेंट देना पड़ेगा, गुंडों को गुंडा टैक्स देना पड़ेगा, तभी वो व्यवसाय कर पाते थे। इनको पूजा पाठ से क्या मतलब है? हम सब लोग सनातनी हैं और प्रदेश में, देश में सनातन धर्म और मजबूत हो, देश के पैमाने पर, दुनिया के पैमाने पर भारतवर्ष की आज चर्चा हो रही है। लोग मान रहे हैं कि माननीय मोदी जी और माननीय हमारे योगी जी बेहतर काम कर रहे हैं। ये सब केवल समाजवादी पार्टी लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रही, जो कभी सफल नहीं है। यही सवाल था, यही सवाल था। प्रधानमंत्री जी आज गए थे वहाँ पर, सर सिद्धार्थ नगर मामले में अपना दलित के विधायक हैं, एसपी के खिलाफ लगातार आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के पाखंड में घुसी है पूरी तरह से सिद्धार्थ नगर के। देखिए ये स्थानीय समस्याएं हैं, इस पर हम माननीय विधायक से बात करेंगे, समस्या का समाधान होगा। हम हर स्थिति में अपने विधायक की जो भावनाएं हैं उनको हम सरकार तक अवगत कराएंगे और सिद्धार्थनगर और आसपास के जितने भी जिले हैं हर स्थिति में हम वहाँ लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे। प्रधानमंत्री बोल दीजिए, गए थे गणपति पूजा में, आज गए थे वहाँ पे, और कांग्रेस को बुरा लग रहा है इसमें? देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा इस प्रकार की संकुचित भावनाएं लेकर के काम करती है। और आप कांग्रेस पार्टी के नेता की बात करते हैं, जब जब विदेश जाते हैं तब तब उनका दिमाग डिरेल हो जाता है, कुछ ना कुछ उनके उनके मन में, उनकी नीतियों में, उनके विचार में कुछ ना कुछ गड़बड़ आता है। भारत के लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश को तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।